शाहरुख खान की पठान टिकट खिड़की पर लगातार धमाल मचा रही है और रिलीज के बाद से ही यह फिल्म अब तक कई ऐसे रिकॉर्ड अपने नाम कर चुकी है जिसे आने वाले समय में तोड़ना किसी भी फिल्म के लिए काफी मुश्किल है। वहीं 13वें दिन की कमाई के बाद इस फिल्म ने रॉकी भाई यानी यश की फिल्म KGF चैप्टर 2 को पीछे छोड़ दिया है। तो आइए इस रिपोर्ट में जानते हैं कि पठान ने अब तक कितने करोड़ का कलेक्शन कर लिया है। रोमांटिक हीरो की छवि छोड़ शाहरुख ने पठान में जमकर एक्शन किया है। यही वजह है कि फैंस अपने फेवरेट सितारे को देखने के लिए सिनेमाघरों में टूट पड़े हैं। वहीं फिल्म के पहले हफ्ते के कलेक्शन की बात करें तो पठान 364.15 करोड़ का बिजनेस कर हिंदी भाषा में 7 दिनों में सबसे ज्यादा कमाई का रिकॉर्ड अपने नाम कर चुकी है। इसके अलावा फिल्म ने दूसरे वीकेंड पर 65.75 करोड़ का कलेक्शन कर यह बता दिया कि आने वाले समय में वह अभी कई और रिकॉर्ड अपने नाम करने वाली है। वहीं अब इस फिल्म के 13वें दिन के कलेक्शन भी सामने आ गए हैं। शुरुआती आंकड़ों के मुताबिक फिल्म ने दूसरे सोमवार को 11 करोड़ का कलेक्शन किया है और इसके साथ ही फिल्म का कुल कलेक्शन अब 440.90 करोड़ हो गया है। वहीं पठान के इस धमाकेदार कलेक्शन के साथ फिल्म KGF चैप्टर 2 को हिंदी में पीछे छोड़ चुकी है। वहीं अब पठान का अगला निशाना बाहुबली 2 है। दरअसल आपको बता दें कि प्रभास की इस फिल्म के नाम हिंदी पट्टी में सबसे ज्यादा कमाई करने का रिकॉर्ड है। साल 2017 में रिलीज हुई इस फिल्म ने हिंदी भाषा में कुल 510 करोड़ का कलेक्शन किया था, लेकिन अब माना जा रहा है कि आने वाले वीकेंड में पठान बाहुबली का रिकॉर्ड ध्वस्त कर इतिहास रच सकती है। वहीं पठान की बात करें तो फिल्म में शाहरुख के अलावा दीपिका पादुकोण, जॉन अब्राहम, डिंपल कपाड़िया और आशुतोष राणा नजर आए हैं। वहीं एक्शन और थ्रिल से भरपूर इस फिल्म का निर्देशन सिद्धार्थ आनंद ने किया है। वैसे शाहरुख खान की इस फिल्म को लेकर आपका क्या राय है कमेंट सेक्शन में बताइए और चैनल को सब्सक्राइब करें।